फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है टाइप्स ऑफ मसल्स, यानी कि आज का हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ मसल्स जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें मसल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप वहाँ पर नज़र आते हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप आज हम डिस्कस करेंगे उसी के अंदर सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमें देखना है स्केलेटल मसल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विसरल मसल के बारे में, ठीक है, और लास्ट वन हमें डिस्कस करना है कार्डियक मसल्स। ठीक है, इस तरह से हमें थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स के मसल्स जो है वो डिस्कस करना है, और स्टूडेंट इन्हीं मसल्स की हेल्प से हमारा लोकोमोशन और मूवमेंट कंप्लीट होता है। तो चलो फर्स्ट वन दैट इज द स्केलेटल मसल्स। स्टूडेंट स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच रहते हैं और इन्हीं का वर्क हमारे स्केलेटन सिस्टम से रिलेट चलता है। स्केलेटन सिस्टम्स मीन्स इट अटैचेस टू द स्केलेटन सिस्टम्स। ठीक है, अभी देखो स्केलेटन सिस्टम से अटैच रहने वाले स्केलेटल मसल्स है जो टेंडन की हेल्प से स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन को अटैच होते हैं। मीन्स अटैचेस टू बोन बाय टेंडन्स। ठीक है, और जब हम इसी का स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट तो स्ट्रक्चरली हमें जो स्केलेटल मसल्स दिखाई दे रहे वो स्केलेटल मसल्स अनब्रांच्ड है, और अनब्रांच्ड रहने के साथ इसी के ऊपर हमें कुछ बैंड्स दिखाई देते हैं जो बैंड इस प्रकार के हैं, जिसे हम अल्टरनेट बैंड भी कहते हैं स्टूडेंट, यानी कि अल्टरनेट इन्हीं बैंड का प्रेजेंटेशन हमें डायग्राम के अंदर दिखाई देता है। अभी देखो जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है इसी के अंदर ए बैंड और आई बैंड, उसके बाद अगेन हमें ए बैंड दिखाई देता है, यानी कि अल्टरनेट ए आई बैंड हमें वहाँ पर नज़र आते। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसी के अंदर, अगर इतने ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं तो हम इस मसल को मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियाई। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर जो फ्लूइड हमें दिखाई दे रहा है, जो लिक्विड हमें दिखाई दे रहा है, और जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, इसी तरह से इसी का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जो वॉल है स्टूडेंट उसे हम सार्कोलेमा कहेंगे। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है दिस इज द मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्टूडेंट इट शोज अल्टरनेट बैंड्स। ठीक है, इसे हम स्टैटिएटेड मसल्स। ठीक है, देन स्टूडेंट सार्कोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल टू न्यूट्रिटिव एक्टिविटी, यहाँ पर न्यूट्रिटिव एक्टिविटी करने के लिए सार्कोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, दिस इज द अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अभी देखो हमने यहाँ पर टेंडन्स के बारे में भी डिस्कस किया है। अभी एक्चुअली टेंडन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? टेंडन्स यानी कि सपोज हम यहाँ पर एक बोन का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, और जो बोन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से हमें बोन दिखाई देता है स्टूडेंट। तो इसी बोन के अंदर हमें मोमेंट भी तो देखना है, और जब मोमेंट हम देखते हैं तो यहाँ पर मसल्स है इस प्रकार से। ठीक है, इसे हम लेबल करेंगे दैट इज़ द मसल्स, और वो स्केलेटल मसल्स है। इसी स्केलेटल मसल्स को बोन से जॉइंट करने के लिए इस तरह से टेंडन्स प्रेजेंट है, दैट इज़ द टेंडन्स जो हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने टेंडन्स के बारे में भी डिस्कस किया। ये हो चुका है स्केलेटल मसल जो वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट जिसे हम विसरल मसल कहते हैं, सेकंड वन दैट इज़ द विसरल। अभी विसरल का मीनिंग क्या होता है? जब हम विसरल मसल्स डिस्कस कर रहे हैं तो इसी का मीनिंग भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, विसरल मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो इसी की जो
मोमेंट है जो वर्क चल रहा है विसरल मसल का, वो वर्क इनवॉलंटरी है स्टूडेंट, और इनवॉलंटरी एक्शन ये परफॉर्म करता है, और जब इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करता है तो इसी के ऊपर हमारी कमांड नहीं रहती है। तो चलो अब इसी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो स्पिंडल शेप्ड नज़र आता है, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है इंटरनल ऑर्गन के अंदर। तो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहने से इसी का वर्क जो चल रहा है वो इनवॉलंटरी चल रहा है, और इनवॉलंटरी वर्क चलने से इसे हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं सिस्टम। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हम वहाँ पर ले सकते हैं। और जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिखाई देता है, जो यूनिन्यूक्लिएटेड है और स्पिंडल शेप्ड भी स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिखाई देता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते, अभी देखो इसी विसरल मसल्स के ऊपर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कमांड्स होता है, यानी कि ANS मीन्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कमांड के ऊपर वर्क करने वाला विसरल मसल्स यहाँ पर हमने देखा है। उसके बाद लास्ट वन है जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। अभी देखो स्टूडेंट कार्डियक का मीनिंग क्या होता है, थर्ड वन दैट इज द कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक यानी कि हार्ट मसल्स हम इसे कहते हैं। और ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट मायोजेनिक एक्टिविटी करने के लिए, मीन्स दैट रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द मायोजेनिक एक्टिविटी, मायोजेनिक एक्टिविटी। अगर मायोजेनिक एक्टिविटी ये मसल्स परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, तो इसी मसल्स का जो वर्क चल रहा है वो भी इनवॉलंटरी है, और इनवॉलंटरी एक्शन इसी की चलती है, इसी के ऊपर हमारा कमांड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ये मसल्स थोड़े टफ भी होते हैं, और टफ होने से इनका वर्क जो चलता है वो रेगुलर चलता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद कार्डियक मसल्स यानी कि इसे हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं मसल्स, और इनका स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट वो स्ट्रेटिएटेड है, उसी के ऊपर हमें कुछ बैंड्स भी दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चरली जब हम सोचते हैं तो हमें डायग्राम इस तरह से नज़र आती है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर देखो हमने डायग्राम ड्रॉ की है, अब यहाँ पर हमें अल्टरनेट बैंड्स भी दिखाई देते हैं, इसे हम लेबल करेंगे ब्रांचेस और ब्रांच ऑफ मसल्स, ठीक है, जो मसल्स के ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद ये बैंड से, उसके बाद दिस इज द सार्कोप्लाज्म, और इस तरह से हमें न्यूक्लियस भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर कार्डियक मसल्स के बारे में दिखाया। अभी देखो इसी कार्डियक मसल्स के अंदर हमें इंटरकैलेटरी डिस्क भी दिखाई देते हैं, जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इंटरकैलेटरी डिस्क, ठीक है। तो ये हो चुके हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मसल, जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के अंदर मोमेंट परफॉर्म करने के लिए, और इन्हीं की हेल्प से मूवमेंट कंप्लीट होती है, ठीक है। अभी टॉपिक के अंदर हमने तीनों मसल्स को डिस्कस किया, फिर से हम एक बार इसी को रिवीजन के फॉर्म में देखते हैं। अभी देखो सबसे फर्स्ट हमने देखा है स्केलेटल मसल्स। एक्चुअली स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, जो स्केलेटन सिस्टम से अटैच होते हैं स्टूडेंट, और स्केलेटन सिस्टम से अटैच होने के लिए उन्हें हेल्प लेना होती है टेंडोंस की। अभी एक्चुअली टेंडोंस क्या है, जो टेंडोंस बोन्स और मसल्स का कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसी टेंडोन की हेल्प से मसल से अटैच होते हैं बोन, और बोन और मसल इन्हीं का कनेक्शन क्रिएट होता है। जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें इन्हीं के अंदर कवर जो कुछ वॉल दिखाई दे रही है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। उसके बाद
जो साइटोप्लाज्म यानी कि जो फ्लूड दिखाई दे रहा है दैट इज द सार्कोप्लाज्म, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस है इसलिए हम इसे मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके बाद स्टूडेंट मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बाद इसी के ऊपर हमें अल्टरनेट बैंड्स भी दिखाई देते हैं जो ए और आई नाम से हम उसे जानते हैं, डार्क और लाइट बैंड उसे हम कहते हैं, जो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सार्कोप्लाज्म जो है स्टूडेंट वो जो कुछ भी एक्टिविटी हो रहे हैं यानी कि न्यूट्रिटिव एक्टिविटी उसे परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है स्केलेटल मसल्स का। विसरल मसल्स जो इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम ले सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और डायग्राम हमें इस तरह से दिखाई देती है, और इसी के ऊपर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का कमांड होता है। उसके बाद हमने कार्डियक मसल के बारे में डिस्कस किया। अब एक्चुअली कार्डियक मसल यानी कि हार्ट मसल जो मायोजेनिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन्हीं के लिए हमें पता चलता है इन्वॉलंटरी एक्शन वहाँ पर कंप्लीट होती है। यही मसल्स टफ होते हैं और रेगुलर वर्क करने वाले होते हैं स्टूडेंट। उसके बाद स्टैटिनेटेड मसल्स भी और ब्रांच मसल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है। जब हम डायग्राम निकालते हैं तो डायग्राम के अंदर हमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी नज़र आते हैं। तो ये हो चुके हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में।